हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्यूटरेज थी। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पे MP ADPO की फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं रिगार्डिंग योर MP ADPO प्रिपरेशन। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हिंदी PDF से पढ़ा दीजिए। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बस ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF से पढ़ाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पहले इंग्लिश PDF की रीडिंग लगाना, फिर हिंदी PDF की, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। और 18 दिसंबर को हमारे एग्ज़ाम है और इतना टाइम नहीं है कि हम दोनों PDF को साथ में लेकर चलें, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है एक्ट्स के, या फिर जहाँ पर कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है हिंदी की, है ना, तो वो हम आपको यहाँ हिंदी PDF से दिखाते चलेंगे। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा हो जाएगा कि दो बार रीडिंग हो जाएगी उनकी इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये एक माइनर एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है, टोटल 18 सेक्शन है यहाँ पे, और इस एक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट याद करनी है, वो है 27 दिसंबर 1980। ये इनेक्ट कब हुआ, प्रेसिडेंशियल असेंट मिली इसको 27 दिसंबर 1980 को। नीलम संजीवा रेड्डी जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। और सेम डे पर ही ये एक्ट इन्फोर्स हो गया, उसी दिन लागू हुआ और उसी दिन राष्ट्रपति की सम्मति मिली। ये डेट अच्छे से याद कर लीजिए, 27 दिसंबर 1980। ठीक है, अब देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, वो हैं अजीत डोवल जी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनकी फ़ोटो, ये आपका एक करंट का क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब पढ़ेंगे हम इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया, कुछ केसेस में डिटेंशन प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। डिटेंशन मीन्स क्या होता है, किसी को कैद करना, किसी को अरेस्ट करना, किसी को निरोध करना। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। क्लियर है, चलिए। इट इज़ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 31st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कौन से वर्ष में ये लागू हुआ, 31वें वर्ष में। पहला सेक्शन देखिए, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे हम NSA भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लागू होता है संपूर्ण भारत पर, और ये 2019 के अमेंडमेंट से जम्मू कश्मीर वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस एक्ट का नाम है और संपूर्ण भारत पर ये लागू होता है। अब आ जाओ डेफिनेशन क्लॉज पे। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन से। 2A, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स समुचित सरकार। अब देखिए, रिस्पेक्ट अ डिटेंशन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ पर्सन डिटेन्ड अंडर सच ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज रिस्पेक्ट अ डिटेंशन ऑर्डर मेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू अ स्टेट गवर्नमेंट और एज अ रिस्पेक्ट अ पर्सन डिटेन्ड अंडर सच ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। जब किसी व्यक्ति को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा आदेश पर डिटेन किया जा रहा है या उसको निरोध किया जा रहा है, तो उस आदेश के संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी, और जहाँ कोई आदेश डिटेंशन का या निरोध आदेश स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस केस में जो समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। क्लियर है। बी क्लॉज, डिटेंशन ऑर्डर मीन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, निरोध आदेश। ठीक है, इस डेफिनेशन में कुछ खास है नहीं। एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, यहाँ पे सेक्शन 3 को प्रेफर कर दिया कि आप सेक्शन 3 के अंतर्गत जो आदेश बनाया गया है वो ही डिटेंशन ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे डिटेल में। क्लॉज सी डील किसे करता है, फॉरनर से, विदेशी। हैज़ द सेम मीनिंग एज इन फॉरनर एक्ट 1946। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरनर यानी विदेशी का वही अर्थ है जो फॉरनर एक्ट 1946 में दिया गया है। क्लॉज डी, पर्सन यानी व्यक्ति, इंक्लूड किसे कर रहा है यहाँ पे, अ फॉरनर को। ठीक है, तो व्यक्ति में विदेशी व्यक्ति भी इंक्लूड है। क्लॉज ई, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार,
अब किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, मींस द एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जो प्रशासक होगा संघ राज्य क्षेत्र का किसी यूनियन टेरिटरी का, वो स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। 2B में जो हमें डिटेंशन ऑर्डर की डेफिनेशन दी थी, तो वो वही आदेश है जो सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 3, पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्संस, कुछ व्यक्तियों के लिए निरोध आदेश को बनाने की शक्ति, यानी डिटेंशन ऑर्डर को बनाने की शक्ति किसके पास होगी, ये हमें सेक्शन 3 में पढ़ना है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके पेपर में, इसलिए सेक्शन 3 बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए। कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बता दिया सब सेक्शन 1 में, किस किस को शक्ति है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, ठीक है, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का। चलो क्लॉज ए देखो, इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेनर पावर्स और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लीजिए, किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे भारत की सुरक्षा पर, भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है अथवा। चलिए पहले क्लॉज ए को समझते हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे सेटिस्फाइड हो जाती है या उसका समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि ऐसा कार्य कर रहा है या ऐसे मैनर में कोई कार्य कर रहा है जो इंडिया के डिफेंस यानी भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, या फिर जो इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप हैं यानी कि जो फॉरेन पावर्स हैं, जो विदेशी सरकारें हैं, उनसे जो संबंध हैं इंडिया के, वो ख़राब होंगे, या इंडिया की सिक्योरिटी यानी इंडिया की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के मैनर में, उस रीति में कोई कार्य करेगा जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि ऐसे कार्य करने से उस व्यक्ति को रोकने के लिए ज़रूरी है कि एक ऑर्डर पास किया जाए। कौन सा ऑर्डर? डिटेंशन ऑर्डर, निरोध आदेश। तो ऐसे केस में क्लॉज बी, इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी फॉरेनर दैट with a view to regulating his continued presence in India or with a view to making arrangements for his expulsion from India. किसी विदेशी के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि भारत में उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये समाधान हो जाता है किसी फॉरेनर के संबंध में यानी किसी विदेशी व्यक्ति के संबंध में कि वो इंडिया में बना रहे, उसकी उपस्थिति भारत में कंटिन्यू रखना ज़रूरी है या उसको भारत से बाहर भेजने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करना ज़रूरी है, तो ऐसे केस में इट इज़ नेसेसरी सो टू डू मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी डिटेन्ड, तो ऐसा आदेश जारी कर सकेगा कि उस व्यक्ति का निरोध कर दिया जाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया जाए। अब आप अपने अपने बियरेट में पेंसिल से ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। पहला तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, दूसरा पर्सन के संबंध में है, किसी व्यक्ति के संबंध में है यहाँ पर, और क्लॉज बी में किसके संबंध में है, एनी फॉरनर के संबंध में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पहला क्या है, डिफेंस के अगेंस्ट कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दूसरा जो फॉरेन रिलेशंस हैं, ठीक है, उन पे प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा इंडिया की सिक्योरिटी पे प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑर्डर जारी कर सकता है वो। ऐसे पॉइंट्स में लिख लीजिएगा ना, तो आपको ध्यान रहेंगे कि हाँ ये तीन पॉइंट हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया, आपसे ये तीन पॉइंट दे दिए और चौथा आपको कोई अलग सा पॉइंट दे दिया, कोई नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, तो आपको ध्यान तो रहेगा कि कौन से तीन पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। अब बी में एनी फॉरनर के लिए, किसी विदेशी व्यक्ति के लिए, तो पहला क्या कि उसकी इंडिया में वो प्रेजेंट रहे, ठीक है,
और दूसरा उसको इंडिया से बाहर निकालने के लिए अरेंजमेंट्स करना, यानी एक्सपल्शन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ऐसा ज़रूरी लगता है कि ऐसा आदेश ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पास किया जाना चाहिए, तो वो आदेश दे सकता है। सबसेक्शन वन क्लियर हो गया अच्छे से, अब आ जाओ सबसेक्शन टू पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में इफ़ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन दैट विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी इट इज़ नेसेसरी सो टू डू मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी डिटेन। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, तो यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए। चलिए अब सबसेक्शन टू समझिए। यहाँ पर भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ये समाधान हो जाता है किसी व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ठीक है, टू एनी पर्सन, कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है या कर सकता है जो स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के अगेंस्ट हो, या फिर जो कम्युनिटी को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और मेंटेनेंस सप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट में कोई कार्य कर रहा है, और अगर ऐसा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ज़रूरी समझे तो उस व्यक्ति को डिटेन करने का यानी निरोध करने का, कैद करने का आदेश दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी पॉइंट्स बना लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं किसी कम्युनिटी को, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई कार्य कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को डिटेन करने का आदेश भी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार दे सकती है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी डज नॉट इंक्लूड एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज ऑफ कमोडिटीज एसेंशियल टू द कम्युनिटी एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ द Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 and accordingly no order of detention shall be made under this act on any ground on which an order of detention may be made under that act. इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना पद के अंतर्गत चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना पद नहीं है, और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई भी निरोध आदेश उस आधार पर नहीं किया जाएगा जिस पर उस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये बात कह रहा है कि ये जो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पर, एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाना जो कि कम्युनिटी को एसेंशियल सर्विसेज और मेंटेनेंस सप्लाई करने के अगेंस्ट में है, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, और उसी के अनुसार कोई भी ऑर्डर डिटेंशन का नहीं बनाया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत किसी आधार पर जो कि
प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत बनाया गया है. क्लियर? तो जहाँ पे, तो इस सेक्शन में जो एसेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज की बात हो रही है, वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई और मेंटेनेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. क्लियर है? आ जाते हैं सबसेक्शन 3 पे. इफ हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of district magistrate or a commissioner of police, the state government is satisfied that it is necessary so to do, it may by order in writing direct that during such period as may be specified in the order, such district magistrate or commissioner of police may also, if satisfied as provided in subsection 2, exercise the powers conferred by the said subsection. यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी अवधि के दौरान जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उसका उपधारा 2 में उपबंधित रूप में समाधान हो जाता है, तो उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा. सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां अराइज हो सकती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जैसा ज़रूरी समझे लिखित आदेश के द्वारा ये निर्देश दे सकती है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर उस पुलिस कमिश्नर को किसी पीरियड के लिए, कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देगी कि उस पीरियड के लिए ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर यदि सेटिस्फाइड हो जाता है या उसका समाधान हो जाता है जो पावर सबसेक्शन 2 में दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट डिटेंशन का ऑर्डर पास कर सकती है, तो वही शक्तियां यहाँ सबसेक्शन 3 में किसको दी गई हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस कमिश्नर को. किसके आदेश के द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा. एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर के क्षेत्राधिकार उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत किसी ऐसी एरिया में ऐसी सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकती हैं जो कि किन बातों पर प्रभाव डालेंगी, कि किसी स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, या ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है, या फिर किसी कम्युनिटी में जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन पर कोई परिस्थितियों में प्रभाव आ सकता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिटन ऑर्डर जारी करेगी और उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन करेगी कि उस टाइम पीरियड के लिए उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर के पास वो सभी शक्तियां होंगी जो सबसेक्शन 2 में किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं. प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड स्पेसिफाइड इन एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एक्सीड 3 months, but the state government may, if satisfied as aforesaid that it is necessary so to do, amend such order to extend such period from time to time by any period not exceeding 3 months at any one time. ठीक है, तो ये जो time specify करेगी state government, ठीक है, तो वो एक बार में, आप यहाँ पे लिख लो अपनी भाषा में ऐसे, एक बार में 3 महीने तक कर सकती है, ठीक है, और टाइम टू टाइम जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को सही लगे उसको अमेंड कर सकती है उस पावर को, ठीक है, ऑर्डर के द्वारा, और उसको बढ़ा के कितना कर सकती है? 3 महीने में 1 महीने का बढ़ा सकती है, ठीक है, 3 महीने में 2 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा सकती है, 3 महीने में 3 महीने का टाइम पीरियड और बढ़ा सकती है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, ज़्यादा का नहीं, किसी भी पीरियड में वो एक बार में 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं बढ़ाएगी. क्लियर है? चलिए सब सेक्शन 4 पे आ जाइए. व्हेन एनी ऑर्डर इज मेड अंडर दिस सेक्शन बाय एन ऑफिसर मेंशन्ड इन सब सेक्शन 3, ही शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द फैक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट टुगेदर विद द ग्राउंड्स
on which the order has been made and such order and such other particulars as in his opinion have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than 12 days after the making thereof unless in that meantime it has been approved by the state government. अब देखिए, जब इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा 3 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को तुरंत भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है, और साथ ही वे आधार जिन पर आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो उसकी राय में मामले से संबंधित हैं भी भेजेगा, और ऐसा कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से 12 दिन से अधिक तभी प्रवृत्त रहेगा जबकि इस बीच राज्य सरकार ने अपना अनुमोदन कर दिया है, अन्यथा नहीं। अब समझिए इसको इजी लैंग्वेज में। जब कोई ऑर्डर इस सेक्शन के अंतर्गत किसी ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा जो सबसेक्शन 3 में मेंशन है, सबसेक्शन 3 में हमने कौन कौन से ऑफिसर्स पढ़े, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक पुलिस कमिश्नर। जब कोई आदेश बनाया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत डीएम या पुलिस कमिश्नर के द्वारा, तो वो जो आदेश होगा उसकी जो रिपोर्ट होगी वो किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। यहाँ पैसे ऐसे लगा के स्टेट गवर्नमेंट लिख लो, जिसके वो अधीनस्थ है, और वो ग्राउंड्स भी मेंशन करेगा जिस ग्राउंड पे ऐसा आदेश बनाया गया है, और वो सभी पर्टिकुलर्स यानी वो सभी पॉइंट्स, सभी विशिष्टियाँ जो उसके ओपिनियन में उस मैटर से डील करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ पे आपसे टाइम लिमिट पूछ सकता है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे सबसेक्शन 4, कि जो ऐसा आदेश होगा यदि उस आदेश को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 12 दिन के अंदर अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है, 12 दिन के अंदर उसका अनुमोदन कर दिया जाता है, तब तो वो प्रवृत्त रहेगा, यानी कि तब तो वो फोर्स में रहेगा। लेकिन अगर 12 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, 12 डेज, ठीक है। अब आ जाता है एक इसका प्रोविज़ो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर अंडर सेक्शन 8 द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर कम्युनिकेटेड बाय द ऑफिसर मेकिंग द ऑर्डर आफ्टर 5 डेज बट नॉट लेटर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, this subsection shall apply subject to the modification that for the words 12 days the words 20 days shall be substituted. परंतु जहां निरोध के आधार आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा निरोध की तारीख से 5 दिन के पश्चात किंतु 15 दिन के भीतर धारा 8 के अधीन संसूचित किए जाते हैं, वहां यह उपधारा इस उपांतर के साथ लागू होगी कि 12 दिन शब्दों के स्थान पर 20 दिन शब्द रखे जाएंगे। चलिए पहले इस प्रोविजन को समझें, उसके पहले हम क्या पढ़ लेंगे, सेक्शन 8 पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए सेक्शन 8 बियर एक्ट में। सेक्शन 8 डील करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय द ऑर्डर, ठीक है। तो जो डिटेंशन हुआ है, जो निरोध हुआ है, उसका आदेश के जो ग्राउंड्स हैं, जो आधार हैं जिनके बेसिस पर डिटेंशन हुआ है, उसको इस व्यक्ति के सामने डिस्क्लोज करना जिससे वो व्यक्ति प्रभावित हुआ है, यानी जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है, उसके ग्राउंड्स जो हैं उस व्यक्ति को बताना है, उसको डिस्क्लोज करना है। ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में पढ़ा होगा। जो पर्सन होता है डिटेंशन में, यानी कि जो अरेस्ट होता है, जो प्रिजनर होता है, उसके कुछ राइट्स होते हैं। वो किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ये ड्यूटी बनती है उस अथॉरिटी की जिसने उसे गिरफ्तार किया है कि वो आधार बताए, वो उसको ग्राउंड्स बताए कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया है हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में टाइम लिमिट दिया गया है कि कब उसको, कब तक उस व्यक्ति को उसके आधार बता देने हैं, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, उनके राइट का भी, जो प्रिजनर है उनके राइट्स का वॉयलेशन भी हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, कि अगर वो अथॉरिटी चाहे तो वो फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, जैसे सबसेक्शन 2 में लिखा है, अभी मैं पढ़ाऊंगी। तो पहले हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं बेयर एक्ट की, फिर इसे अच्छे से समझते हैं। Subsection 1. When a person is detained in pursuance of a detention order, the authority making the order shall, as soon as may be, but ordinarily not later than 5 days, and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, not later than 15 days, from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made
एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जब कोई व्यक्ति डिटेंशन ऑर्डर के पर्जुएंस में डिटेन किया गया है तो वो अथॉरिटी जिसने वो आदेश जारी किया है जितनी जल्दी हो सके लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को वो सभी ग्राउंड्स डिस्क्लोज करेगी जिसकी वजह से उसको ऐसा आदेश दिया गया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में असामान्य परिस्थितियों में वो अथॉरिटी 15 दिन का भी समय ले सकती है उस व्यक्ति के समक्ष ये आधार डिस्क्लोज करने में, मतलब कि जनरली 5 डेज और कुछ एक्सेप्शंस जो होंगे उसमें 15 दिन, ठीक है। और जो 15 दिन का अगर टाइम लेगी तो वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में और उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आदेश दिया है उसके अगेंस्ट खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका भी दे। सबसेक्शन 2 देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच इट कंसीडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अभी मैंने बताया था ना कि जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, किन्हीं किन्हीं केसेस में उनके इस राइट का वॉयलेशन भी किया जा सकता है, यानी कि इस सबसेक्शन में किसी बात के होते हुए भी वो अथॉरिटी ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं होगी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होंगे, यानी कि लोक हित के विरुद्ध में होंगे, ठीक है। सेक्शन 8 समझ में आया आपको? अब वापस आ जाइए प्रोविजो पे। तो जैसा कि सेक्शन 8 के अंतर्गत जो ग्राउंड्स डिस्क्लोज करने की बात की गई है उस व्यक्ति के समक्ष जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है डिटेंशन का, यदि वो ऑफिसर उस व्यक्ति को 5 दिन के बाद लेकिन 15 दिन के पहले ग्राउंड डिस्क्लोज करता है तो इस सबसेक्शन में वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा वो 12 दिन से 20 दिन तक का हो सकता है। नाउ क्लियर? बस इतना सा ये प्रोविजो कह रहा था। चलिए आ जाते हैं सबसेक्शन 5 पे। When any order is made or approved by the state government under this section, the state government shall within 7 days report the fact to the central government together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as in the opinion of the state government have a bearing on the necessity for the order. जब कोई order यहाँ subsection 4 में approve कर लिया जाता है state government के द्वारा तो वो स्टेट गवर्नमेंट किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और वो आधार भी जिनकी वजह से ऐसा आदेश जारी किया गया है और ऐसे पर्टिकुलर्स ऐसे पॉइंट्स भी उस आदेश में उस रिपोर्ट में मेंशन करेगी। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे ग्राउंड्स उस आदेश के लिए जरूरी हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं सेक्शन को समरी वे में जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये सबसेक्शन 1 देखिए क्या कह रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकती है जहाँ पर उस गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो इंडिया के सुरक्षा के अगेंस्ट या उसके जो फॉरेन रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज से वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई ऐसा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से रोकने के लिए क्लॉज बी में था कि कोई फॉरेनर है जिसका इंडिया में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है या फिर उसको इंडिया के बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है तो ऐसे केस में डिटेंशन का ऑर्डर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी जहाँ पर स्टेट की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर या जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी कम्युनिटी को उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो वो ऑर्डर पास कर सकती है। सबसेक्शन 3 में यही पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सबसेक्शन 2 में दी गई थी वही पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को दी गई हैं कि ये भी अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट क्या दी गई थी? एक बार में सिर्फ 3 महीने का ही आदेश पास कर सकते हैं उस व्यक्ति के को डिटेन करने का, ठीक है। और अगर SRDM या पुलिस कमिश्नर ज़रूरी समझे तो जो 3 महीने का पीरियड उसको एक्सटेंड कर सकता है लेकिन एक बार में 3 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं कर सकता। फिर सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि जो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यानी DM या पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत जो आदेश पारित किया जा रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और यदि स्टेट गवर्नमेंट 12 दिन के अंदर अंदर
ऐसे ऑर्डर को अप्रूव कर देती है तभी वो फोर्स में रहेगा, तभी वो प्रवृत्त रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो भी ऐड कर दिया गया कि यदि सेक्शन 8 के अंतर्गत वो अथॉरिटी जो प्रिजनर है या जो पर्सन है डिटेन किया गया है, अगर उसकी डिटेंशन के ग्राउंड्स डिस्क्लोज करने में 5 दिन से ज़्यादा का समय लेती है, लेकिन 15 दिन से अंदर अंदर वो डिस्क्लोज कर देती है सभी ग्राउंड्स उस व्यक्ति को, तो इस सबसेक्शन के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 20 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करेगी ऐसे ऑर्डर को। ठीक है, सबसेक्शन 5 देखिए, यहाँ पर ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ऑर्डर, ठीक है, तो ऐसे अप्रूव्ड ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट 7 दिन के अंदर अंदर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और वो सभी ग्राउंड्स मेंशन करेगी जो कि आदेश के लिए ज़रूरी हों। आई होप आप लोगों को सेक्शन 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आ जाइए सेक्शन 4 पे, डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर का एग्जीक्यूशन यानी उसका निष्पादित होना। अ डिटेंशन ऑर्डर मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट अंडर द CRPC। जो डिटेंशन ऑर्डर है यानी कि जो निरोध आदेश है वो इंडिया में किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट हो सकता है, उसका निष्पादन किया जा सकता है, जैसा कि CRPC के अंतर्गत अरेस्ट का वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है। आ जाते हैं सेक्शन 5 पे, डील करता है पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशन ऑफ डिटेंशन, निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड शैल बी लायबल, प्रत्येक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डिटेंशन का ऑर्डर पास किया गया है वो लायबल होगा। किस चीज़ के लिए होगा, देखिए क्लॉज ए, टू बी डिटेन्ड इन सच प्लेस एंड अंडर सच कंडीशंस इंक्लूडिंग कंडीशंस एज टू मेंटेनेंस डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट फॉर ब्रीचेस ऑफ डिसिप्लिन एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई एंड, यानी कि जो डिटेन्ड व्यक्ति है उसके डिटेंशन को लेकर किसी ऐसी जगह या उस पर कोई कंडीशन इम्पोज की जा सकती है और वो कंडीशन क्या इंक्लूड करेगी, मेंटेनेंस डिसिप्लिन और डिसिप्लिन का ब्रीच, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो अंडर डिटेंशन है वो मेंटेनेंस डिसिप्लिन या डिसिप्लिन का ब्रीच करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जैसा कि स्पेसिफाई किया जाए। क्लॉज बी देखिए, टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ डिटेंशन टू अनदर प्लेस ऑफ डिटेंशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और इन अनदर स्टेट बाय ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो रिमूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो विद इन स्टेट हो, यानी कि वो चाहे वो सेम स्टेट में हो या वो किसी अदर स्टेट में किया जाए। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में है तो उसे UP भी भेज सकते हैं डिटेंशन के लिए, उसे राजस्थान गुजरात किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। अब एक है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शेल बी मेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर क्लॉज बी फॉर द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट क्लॉज बी के अंतर्गत किसी एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है, यानी किसी और स्टेट में भेज रही है, तो जिस स्टेट में उस व्यक्ति को भेज रही है डिटेंशन के लिए उस स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसकी कंसेंट लेनी होगी, बिना कंसेंट के नहीं भेज सकते। ठीक है, यानी कि अगर मध्य प्रदेश राज्य सरकार यूपी राज्य सरकार में यानी यूपी स्टेट में किसी पर्सन को भेज रही है डिटेंशन के लिए तो उसको यूपी गवर्नमेंट से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, उनकी कंसेंट लेनी होगी। क्लियर है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 5A डील करता है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सेवरेबल, यानी कि जो डिटेंशन के ग्राउंड्स हैं, जो आधार हैं, उनका पृथक किया जाना। वेयर अ पर्सन हैज बीन डिटेन्ड इन परजुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन वेदर मेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1984 अंडर सेक्शन 3 विच हैज बीन मेड ऑन टू और मोर ग्राउंड्स सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड सेपरेटली ऑन ईच ऑफ सच ग्राउंड एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यदि जहाँ पर कोई व्यक्ति डिटेन किया जाता है डिटेंशन के ऑर्डर के परजुएंस में, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1984 के कमेंस होने के पहले का ऑर्डर हो या बाद का ऑर्डर हो सेक्शन 3 के अंतर्गत, जो कि दो या दो से अधिक ग्राउंड्स पर बनाया गया है, तो उनमें से जो प्रत्येक ऑर्डर होगा वो ये समझा जाएगा डिटेंशन का कि वो
ऑर्डर हर आधार के लिए अलग बनाया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, चलो इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए ये है एक ऑर्डर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सबसेक्शन 3 में पावर दी गई थी ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को कि वो भी ऑर्डर निकाल सकता है डिटेंशन का, तो उन्होंने ऑर्डर निकाला। लेकिन ये सिर्फ ऑर्डर किसी एक आधार पर नहीं है बल्कि बहुत सारे आधार हैं। जैसे मान लो एक निकाल दिया इन लोगों ने पब्लिक मेंटेनेंस के अगेंस्ट में, ठीक है, कि उस व्यक्ति ने पब्लिक मेंटेनेंस का ब्रीच किया है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर निकाल दिया इन्होंने पब्लिक ऑर्डर के ब्रीच के लिए, ठीक है। तीसरा ऑर्डर निकाल दिया कि इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। चौथा जो आधार है उन्होंने इस बात पे निकाल दिया कि इस व्यक्ति के कार्य से जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये चार ग्राउंड्स हैं, अब चार ग्राउंड को मिला के इन्होंने एक ही ऑर्डर निकाल दिया उस व्यक्ति के अगेंस्ट। तो सेक्शन 5A ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऑर्डर दो या दो से ज़्यादा आधारों पर निकाला जाता है तो ऐसा डिटेंशन का ऑर्डर ये समझा जाएगा कि वो प्रत्येक ग्राउंड के लिए, यानी इस वाले ग्राउंड के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सभी ग्राउंड्स के लिए अलग अलग डिटेंशन का ऑर्डर जारी किया गया है। अब आया समझ में? अब आ जाओ क्लॉज ए पे। सच ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव मेयरली बिकॉज वन और सम ऑफ द ग्राउंड्स इज और आर, ठीक है। अब सब क्लॉज ए क्या बात कर रहा है? वेग, नॉन एग्जिस्टेंट, not relevant, not connected or not proximately connected with such person or invalid for any other reason whatsoever, ठीक है। अब clause A ने क्या बोल दिया कि ऐसा जो order निकाला जाएगा जो दो या दो से ज़्यादा आधारों पर base होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ इस बात पर invalid या inoperative नहीं किया जाएगा। किन grounds पर नहीं किया जाएगा? इन grounds पर, यानी कि ये जो आधार दिए गए हैं उनमें से अगर कोई एक या एक से ज़्यादा आधार, ठीक है, या दो आधार या तीन आधार वेग हैं, यानी क्लियर नहीं हैं, अस्पष्ट हैं, ठीक है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सुसंगत नहीं है, या वो कनेक्टेड नहीं है उस व्यक्ति से, या वो इनवैलिड है किसी अदर रीज़न से, ठीक है। तो क्लॉज ए ने ये बोल दिया कि अगर ये जो ग्राउंड्स हैं या इनमें से कोई भी एक या दो ग्राउंड अगर वो वेग है, नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉट रिलेवेंट है, नॉट कनेक्टेड है या इनवैलिड है, तो सिर्फ इन आधारों पर ये पूरा ऑर्डर जो है वो इनवैलिड नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है। एंड इट इज़ नॉट देयरफॉर पॉसिबल टू होल्ड दैट द गवर्नमेंट और ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर वुड हैव बीन सेटिस्फाइड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 विद रेफरेंस टू द रिमेनिंग ग्राउंड और ग्राउंड्स एंड मेड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। तो अब ये क्या कह रहा है कि जब सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी गवर्नमेंट ने या ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर जारी किया था तो ये कह पाना पॉसिबल नहीं होगा कि अगर इनमें से कोई भी एक ग्राउंड या एक से ज़्यादा ग्राउंड को सिर्फ इस बात पे इनवैलिड नहीं किया जा सकता कि वो क्लियर नहीं है या उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, तो फिर ये कहना पॉसिबल नहीं है कि जो और रिमेनिंग ग्राउंड्स हैं, यानी कि मान लीजिए ये पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, अस्पष्ट है ये, तो फिर ये कहना पॉसिबल नहीं है कि उस गवर्नमेंट ने या उस ऑफिसर ने ये जो अदर ग्राउंड्स हैं इन ग्राउंड्स पर जो डिटेंशन का ऑर्डर दिया है वो फुली सेटिस्फाइड होने के बाद दिया है। क्लियर है? अब अगर कोई जो ऑर्डर होगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे और क्लॉज ए में ये तो ये कह दिया कि ऐसा ऑर्डर जो है वो इनवैलिड नहीं होगा अगर उनमें से कोई एक ऑर्डर भी क्लियर नहीं है तो ये पूरा ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो ये कहना तो मुश्किल ही है, ये निर्धारित करना मुश्किल है कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस ऑफिसर ने ऐसा आदेश पारित किया था वो बाकी के जो रिमेनिंग ग्राउंड्स थे, ठीक है, यानी कि जो क्लियर दिखाए जा रहे हैं वो फुली सेटिस्फाइड होने के बाद किया था, ठीक है। लेकिन अब क्लॉज बी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि द गवर्नमेंट और ऑफिसर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव मेड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर द सेट सेक्शन आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड एज प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन विद रेफरेंस टू द रिमेनिंग ग्राउंड और ग्राउंड्स। ये क्या बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट या ऑफिसर जिसने डिटेंशन का ऑर्डर बनाया है, ठीक है, तो वो जो डिटेंशन का ऑर्डर है उस सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि क्लॉज ए में जो बातें कही गई हैं
ये माना जाएगा कि उस ऑफिसर ने अपना समाधान हो जाने पर ही ऐसे ग्राउंड्स या ऐसे आधारों पर वो ऑर्डर पास किया था। मतलब कि अब सीधी सी भाषा में ये समझ लीजिए कि क्लॉज ए बोल रहा है कि अगर इन ग्राउंड्स में से कोई भी एक दो ग्राउंड जो है वो क्लियर नहीं है तो ये पूरा आदेश जो है वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। और वही क्लॉज बी ये बात कर रहा है, अब जब क्लॉज ए ने ये बोल दिया कि वो इनवैलिड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या अराइज हो गई, एक एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता हो गई अराइज यहाँ पे। तो क्लॉज बी इस बात को क्लियर करते हुए बोल रहा है कि अगर इनमें से कोई एक या दो आधार अस्पष्ट हैं, ठीक है, तो ये जो बाकी के दो आधार हैं उन पर ये नहीं समझा जाएगा कि उस गवर्नमेंट ने या उस ऑफिसर ने अपना समाधान हो जाने के बाद ही यानी कि फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद ही ऐसे आधारों पर डिटेंशन का आदेश पारित किया। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। अब मैंने ये समझा दिया है तो आप एक बार खुद पढ़िए, और अगर आपको तब भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 6 डील करता है डिटेंशन ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो जो डिटेंशन ऑर्डर होंगे वो कुछ आधारों पर इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं होंगे, ठीक है। हिंदी में क्या है, निरोध आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील ना होना। अब देखिए कौन से ग्राउंड्स होंगे, नो डिटेंशन ऑर्डर शैल बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव मेयरली बाय रीजन दैट द पर्सन टू बी डिटेन्ड देयर अंडर इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफिसर मेकिंग द ऑर्डर और दैट द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इज आउटसाइड द सेड लिमिट। ठीक है, दो आधार दिए गए हैं यहाँ पे, पहला कि इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा ऐसा ऑर्डर कि जो व्यक्ति है वो आउटसाइड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है। और दूसरा किस आधार पर नहीं होगा इनवैलिड कि जो डिटेंशन प्लेस है वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है। हिंदी में देख लो एक बार, उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी की क्षेत्रीय आधिकारिकता के बाहर है या ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है, ठीक है। चलो आ जाओ सेक्शन 7 पे, डील करता है पावर्स इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ठीक है। जो फरार व्यक्ति हैं उनके संबंध में क्या शक्तियाँ होंगी, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियाँ। सब सेक्शन 1 देखिए, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर मेंशनड इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 एज द केस मे बी हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट द ऑर्डर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड दैट गवर्नमेंट और ऑफिसर मे make a report in writing of the fact to the metropolitan magistrate or judicial magistrate first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resided. Or clause b kya kehta hai, by order notified in the official gazette direct the said person to appear before such officer at such place and within such period as may be specified in the order. To seedhi si baat hai, yadi central government ya state government या कोई ऑफिसर जो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 में मेंशन है, कौन कौन है, एक तो डीएम है और एक कमिश्नर है, ठीक है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम या कमिश्नर को पुलिस कमिश्नर को इस बात का कारण है कि जिसके संबंध में जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है निरोध आदेश पास किया गया है वो फरार हो गया है या वो अपने आप को छुपा रहा है कंसील कर रहा है कहीं पर छुप कर बैठा है जिससे कि ऐसे आदेश का निष्पादन ना किया जा सके ऐसा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट ना हो सके तो गवर्नमेंट या ऑफिसर क्या कर सकते हैं दो स्टेप ले सकते हैं पहला तो ये कि रिपोर्ट दे सकते हैं किसको मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रिपोर्ट बना सकते हैं किसको मेट्रोपॉलिटन और जेएमएफसी को जिनके ज्यूरिसडिक्शन में जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसा व्यक्ति नॉर्मली रहता है ठीक है और क्लॉज बी है कि ऑर्डर के द्वारा आदेश दे सकते हैं ऑफिशियल गजट में आदेश के द्वारा ये आदेश दिया जा सकता है उस व्यक्ति को निर्देश दिया जा सकता है कि वो उस व्यक्ति के सामने कि वो उस ऑफिसर के सामने अपीयर हो ठीक है एट सच प्लेस और विद इन सच पीरियड
यानी कि जैसा कि उस ऑर्डर में स्पेसिफाई की जाए वो जगह और उस समय पर उस ऑफिसर के सामने क्या हो जाए, अपीयर हो जाए। ठीक है, अब देखो सब सेक्शन टू क्या कह रहा है। अपॉन द मेकिंग ऑफ अ रिपोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन वन, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 82, 83, 84, 85 ऑफ CRPC शेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एंड हिज प्रॉपर्टी एज इफ द डिटेंशन ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम वर अ वॉरेंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट। अब देखो क्या कह रहा है सब सेक्शन टू। सब सेक्शन टू कह रहा है सब सेक्शन वन के क्लॉज ए में, यानी कि अगर उस ऑफिसर ने या गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई है किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, तो उस पर कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होने लगेगा, सेक्शन 82, 83, 84 और 85 के। अब सेक्शन 82 किससे डील करता है, प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट से। ठीक है, सेक्शन 82 में क्या है, प्रोक्लामेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ठीक है, सेक्शन 83 क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। सेक्शन 84 किससे डील करता है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, यानी जो कुर्क के बारे में, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों से। सेक्शन 85 किससे डील करता है, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी से, यानी जो कुर्क की हुई संपत्ति है उसको निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। ठीक है, तो यदि कोई रिपोर्ट उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्लॉज ए में बनाई गई है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या GMFC के समक्ष, तो उस पर CRPC के वही सेक्शंस लागू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा सेक्शन 82, 83, 84 और 85 उस व्यक्ति के संबंध में, उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में। जैसे कि मानो वो जो डिटेंशन ऑर्डर है वो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू किया गया। क्लियर, अब आ जाओ सब सेक्शन 3 पे। If any person fails to comply with an order issued under clause B of subsection 1, he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith and that he had within the period specified in the order, inform the officer mentioned in the order of the reason which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया है यहाँ पर, पहली पनिशमेंट आई है क्योंकि इस एक्ट। ठीक है, पूछी जा सकती है आपसे। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्लॉज ए के संबंध में हमने बात कर ली यहाँ, ठीक है, सब सेक्शन टू में, और क्लॉज बी के संबंध में कहाँ बात हो रही है, सब सेक्शन 3 में। ठीक है, कि अगर उस ऑफिसर ने ऑफिशियल गैजेट में एक ऑर्डर के द्वारा उसे नोटिफाई किया था कि उसके सामने वो समक्ष, उसके समक्ष वो प्रस्तुत हो जाए, अपियर हो जाए, और अगर वो व्यक्ति अपियर होने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, उस ऑर्डर को कंप्लाई करने में असमर्थ हो जाता है, तो थोड़ा सा बेयर एक्ट को यहाँ पे तोड़ के पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी। अगर वो व्यक्ति उस ऑर्डर से कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, जो कि 1 साल की होगी, या फाइन, या दोनों से पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बात कर रहा है, अनलेस ही प्रूव्स दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, जब तक कि वो ये बात साबित ना कर दे कि उस ऑर्डर को कंप्लाई करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, या वो किसी ऐसी जगह पर था जहाँ पर वो उस टाइम के अंदर या उस जगह पर नहीं पहुँच पाया, जब तक वो ये बात साबित नहीं कर देगा कि उसका उस व्यक्ति के सामने, उस ऑफिसर के सामने उस टाइम पर या उस जगह पर जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया था, वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं था, और उसने उस ऑफिसर को जिसने वो ऑर्डर जारी किया था उसके सामने प्रस्तुत होने का, और उसने उस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया था कि उसका वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है, और अपना पता या ठिकाना बताया था। अब आया समझ में, अगर उसने प्रूफ कर दिया तो वो पनिशमेंट से बच जाएगा, और अगर वो प्रूफ नहीं करता है और बिना प्रूफ किए, ठीक है, या वो बिना इन्फॉर्म किए उस ऑफिसर को इस ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 1 साल तक की हो सकेगी, फाइन, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जहाँ पर क्लॉज ए में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या GMFC के समक्ष रिपोर्ट की गई है, तो वहाँ पर CRPC के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे उस व्यक्ति और उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में।
ठीक है, अब आ जाओ सबसेक्शन 4 पे. Notwithstanding anything contained in CRPC, every offence under subsection 3 shall be cognizable. ठीक है, CRPC में किसी बात के होते हुए भी subsection 3 के अंतर्गत हुआ अपराध क्या होगा? संज्ञेय होगा. Section 8 में आपको already पढ़ा ही चुकी हूँ, Section 3 के subsection 4 के proviso में. ठीक है, एक बार फिर से देख लो चाहो तो, कि जहाँ कोई व्यक्ति डिटेन किया गया है तो जिस अथॉरिटी के समक्ष किया गया होगा वो अथॉरिटी जो है उस व्यक्ति को किस आधार पर उसने अरेस्ट किया है 5 दिन के अंदर अंदर फैक्ट डिस्क्लोज करेगी, कि वो आधार बताएगी, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं तो रीजंस रिकॉर्ड करके 15 दिन का समय भी ले सकती है. ठीक है, और उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जिसने ऑर्डर जारी किया था उसके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी बात है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, वो उस प्रिजनर को या जो कैदी है, ठीक है, उस व्यक्ति के सामने डिस्क्लोज नहीं किए. चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, रिमेनिंग सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.